नागरिकों ने किया चक्का जाम, हनुमान चौक का मामला। हनुमान चौक की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई तो इसको लेकर नागरिकों ने किया चक्का जाम। पुलिस प्रशासन आपको मैं सीता माता मंदिर की लिख के दे के आया था, आज एक महीना हो गया, आप क्या कार्रवाई करी? मैं उसको भेजूंगा दो तीन बार। बात सुनो यार, किसी महिला को गुलाबगंज छोड़ूंगा, किसी महिला को सुरोज छोड़ूंगा, ये पुलिस को कौन सी नियम में आती है? नियम में आती हो पहली बात ये है, हम आपको फोन लगा रहे हैं, हमको एक घंटे से ऊपर चक्का जाम करते हो गया, आधा घंटे पहले हमने आपको फोन लगाया, वो भैया आपको दोबारा भाई साहब ने फोन लगाया यार, आप मैंने दो किलोमीटर में आवा आवा आप दो में इसका मिलवा इसकी जीप को मेरी टाइम पर आना नहीं माना जाता हमारी नगरों में, ये हम बता दे रहे हैं आपको, वो यदि आप उसे इंसाफ नहीं कर रहे हैं मैं ये लिख के लेके जाऊँगा। उठवा नहीं रहे, उठवा नहीं रहे, कल दो दिन थाने में देखो सर, आप मंदिर की स्थिति क्या है, मंदिर की स्थिति आपने उदयपुर में ये कहा था, उदयपुर में आपने मुझसे ये कहा था कि वो महिला है और आप गालियां देके बातें करते हैं लोगों से, भाई साहब आपने कितनी बदतमीजी गाली बकबक के आपने जो है बात की थी मुझसे, क्या बात करते हो आप, तो मैं सुनाऊं क्या भी, आज सब टेप कर लेंगे आपकी बातों के लिए, आप ये कहो प्रवीण शर्मा आता है, प्रवीण शर्मा रोज आता है मंदिरों में, रोज जाता हूँ मैं और मुझे उससे रोज टकराती हूँ महिला, Hey!
मामला है, क्या हुआ बताएं आप जरा। कई वर्षों से जो है पे आकर के परेशान करते हैं, मूर्तियां फोड़ दी इन्होंने, गौरी जी की मूर्ति फोड़ दी, कार्तिक जी की मूर्ति फोड़ दी, गणेश जी की फोड़ दी। जब भी इसको समझा तो और इस मंदिर को तोड़ फोड़ करती रहती है, मंदिर में अंदर थूकती रहती है, मंदिर में जो ग्रंथ रखे रहते हैं उनको फेंक देती है, फाड़ देती है। कई बार उसको समझाया गया लेकिन उसको समझ में कभी नहीं आता। पुलिस को ही बताया, आज ही जो है प्रातःकालीन जो है 5 बजे से आकर के जो है उद्धम कर रही है, उसको जब समझाया गया तो डंडा लेकर वो पीछे पड़ गई। पीआई भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अभी कई बार उसको फोन लगाया लेकिन अभी तक वो आया नहीं। अभी 2 घंटे से जाम लगा हुआ है, अभी तक कोई नहीं आया। बोलो भैया, कोई नहीं उठेगा, सही बैठ के बात करवाइए, सही बैठ के बात होगी। बैठ जाओ, पंडित जी आओ।
गलत बात है। शर्मा एसटीपी साहब के लिए भी फोन लगा के बोल रहा हूँ कि ये महिला मुझे इस तरह से परेशान कर रही है, ये मंदिर में जो है तोड़फोड़ कर रही है, मंदिर में थूक रही है, मंदिर की एक पार्वती जी की मूर्ति को ले गई है, हैं बहुत उधम करती है, दर्शनार्थी आते हैं उनको धक्का मार देती है। ये पूरा काम जो है काफी टाइम चल रहा है लेकिन कोई लिखने को सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस ये कहती है बीडी वीरा के शब्द ये थे मुझसे जब मैंने उस महिला की कंप्लेंट करी, उस बीडी वीरा टीआई रियाज ने मुझसे ये कहा कि यार शर्मा जी वो महिला है और साथ में आप शब्दों का यूज करके बोलते रहे माँ और बहन की गाली बकते हुए कि उसकी लिखा पढ़ी करना, हमारे पास पुलिस का बल वैसे ही कम है, अभी हम उसके लिए दो दिन तक कहाँ थाने में रखेंगे, किसकी जवाबदारी होगी थाने में रखने की। अरे जब थाने वाले जवाबदार नहीं है तो क्या मैं जवाबदार होऊंगा? क्या इस शहर के लोग जवाबदार होंगे? क्या लीना जैन जवाबदार होगी इस बात की कि वो उस महिला को अपने घर में रखे और फिर इसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करे? अरे भाई उसको गिरफ्तार करो, उस पर जो वैधानिक आपकी कार्रवाई चलती है, जो आपका कानून बोलता है उसके मुताबिक आप उस शहर को यहाँ हटाओ। कई बार देसाई मैडम से मेरी खुद बात हुई, शहर कोर्ट वाली मैडम से, उन्होंने ये कहा कि हाँ इसकी कंप्लेंट अभी दो दिन पहले आई थी, ये बड़े टोटे किसी दुकानों में पत्थर फेंक रही थी, ठीक है ना, और मैंने उसको दिखवाया है। माना करना कुछ नहीं होता, केवल पुलिस की गाड़ी भेजना, एक महिला पुलिस को भेजना, एक आदमी को भेजना और उसको बिठा के गुलाबगंज छोड़ के आए आप, गुलाबगंज से वो महिला पैदल चल के आ गई है। अभी आई टी आई बीरा जी ने मुझसे ये कहा यहाँ पे धरना स्थल पर आके कि हम उसको कल सुरन छोड़ के आए थे, झूठ बोल रहे हैं, सुरन छोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई सुरन छोड़ना कोई विकल्प है क्या? सुरन क्या इस शहर से लगा हुआ शहर नहीं है क्या? इस जिले की तहसील नहीं है क्या? क्या एक पागल को दूसरे तहसील में पागल को वहाँ भेजेंगे? अरे भाई उसका वैधानिक उपयोग वो करें आप, ठीक है ना, उसको पागल खाने भेजें, उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करें, जो आपका कानून बोलता है, जो आपका नियम बोलता है उसके मुताबिक आप काम करें। डेढ़ साल, आज एक डेढ़ महीने दो महीने से वो महिला परेशान कर रही है, अस्पताल के अंदर वो सहती है, अस्पताल में पूरे पेशेंट परेशान है, ठीक है ना, और अस्पताल का कोई आदमी शिकायत हमने बोल दी तैयार नहीं होता क्योंकि वो उसमें बदतमीजी की बातें बोलती है, वो बोलती है क्या मुझसे करा दो मैं छेड़छाड़ कर दूंगी आपके साथ में, धमकी देती है वो महिला। ये कौन सा तरीका है? जब तक उसकी कार्रवाई की हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हम करने प्रधानमंत्री नहीं हटेंगे, इसमें हम आरोप लगाने करेंगे वो ये उग्र रहेगा। अभी तो हम अपने घर की माता और बहनों को भी धरने में स्थल पर बुलाएंगे, उसका कारण ये है कि महिला उस महिला के डर की वजह से आज जो है मंदिर नहीं जा पा रही है। आप ये बताओ स्थानीय प्रशासन ने जब आपकी बात नहीं सुनी तो आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं? हमको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जिले का कोई वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में आए और हमसे बात करे, ठीक है ना, या हमारी विधायक महोदय आए वो हमसे बात करे। मैंने कल भी उनको फोन लगा कहा था विधायक महोदय को ऐसी सी बात है, कहले भाई साहब क्या केवल आप ही परेशान हो, मेरा पूरा शहर परेशान है, ये तो वो जानता है जो मंदिर जाता है, आई समझ में, इस शहर के अंदर यदि कोई मंदिर में स्थानीय रोज जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम होती है, त्योहारों पे कई महिलाएं डर के मारे उस पागल के मारे जो है नवदुर्गों में मंदिर नहीं आ पाई। तो पागल है या जानबूझ के पागल? ये पागल का सर्टिफिकेट अपन नहीं दे सकते, ये पुलिस का काम है, पुलिस उसको गिरफ्तार करे, उस पर कार्रवाई करे, उसको डॉक्टर के समक्ष पेश करे या जो उनके जो होता है वो करे। हमें वो महिला इतने क्षेत्र हमारे मंदिरों में नहीं दिखना चाहिए, शेर कोतवाली टीआई से पूछे आप यहाँ खड़ी हुई है कि आपके पास कितनी कंप्लेंट आई और कितने फोन आए उस महिला के, एक दिन में चार फोन मैंने करे तो शेर कोतवाली टीआई ने मजबूर हो गए। कोतवाली टीआई ने मुझसे ये पूछा कि आप हैं कौन, क्या करते हैं आप, मतलब क्या मैं नेता हूँ, तो ही मैं जवाबदार हूँ इस शहर का या मेरी बात को सुनी जाएगी, आप कौन है, आप क्या करते हैं? अरे भाई ये बताने की आवश्यकता क्या है? मैं शहर का आम आदमी हूँ, नागरिक हूँ,
आज मंदिर में क्या नुकसान हुआ है, किस बात को लेकर? आज मंदिर में उसको फूका है, एक शंकर जी की मूर्ति यहाँ से गोल है, ठीक है ना, और जो पूजा करने आ रहा है उसको धक्का मार के वो अलग कर रही है, बदतमीजी से बोल रही है, वो गेट पे अड़ी हुई है, बाल खोल के और सिर हिलाती है, और बालों को जो है बहुत जोर जोर हिला के, और जो पूरा पाटक नोटक भी करती है वो। आज 1.5 महीने से मैंने DI बीरा को लिखित में शिकायत की थी, शीतला माता मंदिर के लिखित में, और ये नवदुर्गों के 15 दिन पहले की थी, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आज 1.5 महीना होने को जा रहा है और जब तक हमको ठोस बारे में, जब तक हमको ठोस यहाँ पे नहीं मिलेगा, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। हम जेल जाने को तैयार हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बीरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पीड़ी बीरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पीड़ी बीरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदिरों को सुरक्षित रखना है तो पीड़ी वीरा को हटाना होगा, मंदिरों को सुरक्षित रखना है तो पीड़ी वीरा को हटाना पड़ेगा, मंदिरों को सुरक्षित रखना है तो पीड़ी वीरा को हटाना पड़ेगा। अब एक काम करो भैया, विधायक को बुलवा लो, तो हटेंगे नहीं, हट रहे पुलिस से, कब तक सूचना दे रहा है जी? नहीं अपन पर बोलो, राजा बोल रहा चल, राजा बोल रहा प्रणाम। अब तो विधायक आएगी तो ही हटेंगे, वो मिल गई है, मिल गई गाड़ी में बैठी, मुझे लिखित में चाहिए क्या उतार आइए ना, हमें आपको जब तक हमारा विधायक नहीं आएगी हम हटेंगे। 15 दिन आपको लाइन करवाइए, आप कार्रवाई करवाइए, आप कागज लाइए, आप हमारे ऊपर कार्रवाई करवाइए, हम नहीं हटेंगे, हम तैयार है, हम लिख के दे रहे हैं ना कार्रवाई, नहीं आपके लिखे से आप यार हम बताए किससे लिखवाए यार, पीछे होकर कर लो ना, क्या कार्रवाई करी आपने, खड़े ही है, खड़े होने से क्या होता है यार, आपको 9 बजे प्रभात शर्मा ने फोन लगाया, आपकी पुलिस आ भाई, जब हमारा चक्का जाम आधा घंटा हो गया उसके बाद आपकी पुलिस में फोन आया, एक महिला सिपाही आई, एक ड्राइवर आया, एक सिपाही आया, जवाबदारी है शेर की, शर्मा जी हेलो, शेर को लुटवाना है क्या? सुनो सुनो एक मिनट, निवेदन मेरा सुनो, नागरिक संरक्षण से बोल रहा हूँ डांडी, तो साफ साफ लिख के ले लो, और वो पकड़ा गई ना गई थी तो गाड़ी नहीं, हमें पागलपन दे रहे, ग्वालियर भिजवा नहीं, ग्वालियर भिजवा उसको, बहुत दिन से नाटक कर रहे, ये बात सही है, एसडीएम साहब आएंगे, एसडीपी आएंगे तो ही बात करूंगा, आप विधायक को बुलाओ, एसडीएम को बुलाओ, एसडीपी को बुलाओ, सब बात होगी, आप दोनों से बात नहीं होगी, आप दोनों से हम निवेदन करते हैं कई बार, तो हाथ जोड़ के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग हमसे बात करते हैं, अरे यार शर्मा जी जेल लेने गए, शर्मा जी बाद में मर देना, जो केस लगवाना है वो केस लगवा देना, अरे वीरा जी तुम्हारी मेंटेलिटी यही है? नहीं है मेंटेलिटी, है आपकी ये मेंटेलिटी, लोगों को फंसाना, वो बेवकूफ बनाना, नहीं नहीं सब आपकी मेंटेलिटी है, ठंडी जी थोड़ी पीछे होकर बना लीजिए आप, चलो विधायक जी फोन कर रहा हूँ मैं, रुकिए आप मैं बात कर रहा हूँ, गाड़ी सुनो आएगी यहाँ पे, अरे बुला रहा हूँ, देख रहा हूँ फोन उठा लेंगे तो, यार बात तो सुनो, बात करो, बात नहीं होगा, हम तो बैठे थे यार, बैठे लगा लगा के परेशान है पब्लिक, आप ही बताओ कितनी बार बोल रहा है मैंने, गाड़ी वाले सुनने कर रहे हो, गाड़ी निकाल लो, कोई कंप्लेंट करो, कोई नेता पहुंचा था पास में, तो कभी जरूर आने किया था यार, गजेंद्र साहब आपसे कहा गाड़ी बात नहीं 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 पत्रकार पहुंचा है, गजेंद्र भैया यही खड़ा, गजेंद्र यही खड़ा, यही खड़ा बोला भाई, अच्छा पत्रकारों का बोलना, नाम भी तो बोल देंगे पत्रकार, कोई पहुंचा है प्रेशर वाला आदमी, कह देंगे साहब आपको फलाने शिकायत केस लिए यार, मतलब क्या आप शहर को सुरक्षित रखोगे, क्या शहर को बचाओ, शर्मा जी हम कुटवा रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मारूंगा, मानिए आप
एसडीएम एसडीओपी हो जब एसडीओपी होते तो आ जाते हैं यार। बात ही हम करवा नहीं कर रहे। आप एसडीएम को बुलाओ। अरे ये यार खाने में बंदूक लेने का तो बंदूक ले लो ना, बच्चा भी खेल रखा जाने की दूसरा लगा जरा उसकी ज्यादा यार। मैं डांडी बोल रहा था ना, संरक्षण तो मैं भाई बात बोलने बैठ लेंगे, मैं तो बोल दिया मेरे परिवार ने। यहां हनुमान चौक पर एक धरना हो रहा है, आप बुला रहे हैं बिल्कुल। अच्छा आप कहाँ पर आप इनसे बात कर लें, प्रभु शर्मा जी हैं, जो प्रभात शर्मा से बात करो, जी से बात करो। बाहर है वो बाहर ताला डाला चलो आप बात मानी है प्रशासनिक अधिकारी बुलाइए आप जाने। मैडम चार बार कंप्लेंट की थी, मैं प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ। आपने मुझसे कहा आप क्या करते हैं, मतलब मैं करता हूँ मैं देता हूँ या मैं पैसे वाला हूँ या मैं कुछ हूँ, अब आप मेरी बात सुनोगे या नहीं? कोई बात नहीं यार, नीचे हो जाओ ना, तुम लोग यार पुलिस वाले हैं, उन्हें काम करने में कार्रवाई करता हूँ। बोलने यार मेरे को एसडीएम चाहिए यहाँ पे, हमारा अनुविभागीय अधिकारी है, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट है हमारे शहर का, उसके सामने हम बात करेंगे। वो राज्य प्रशासन के अधिकारी का अधिकारी है, उससे हम विश्वास पुलिस से हम विश्वास ऐसे नहीं लेंगे कि पुलिस जो है हमें बेवकूफ़ बना रही है। मुझे बार बार कंप्लेंट कर रहा है, जवाबदार आदमी हूँ, मेरे बारे में अगर जानकारी लेना है तो आप इन पत्रकारों से लीजिए। मैं कौन हूँ, मैं जवाबदार हूँ कि नहीं हूँ? मेरी आदत है, मेरी आदत है सुलझाने की आदत है, मैं हर मसले को सुलझाना पसंद करता हूँ, शिकायत करना मैं पसंद करता हूँ, मेरी आदत है मैडम। ये बात नहीं करना एक घंटे बाद आए हैं पुलिस फोन करने के बाद में, इसके पहले ये कह चुका था तो ये गाली बक के बात कर रहे थे उदयपुर में किसी को, उस पागल पे से पूरे नौदुर्गा पेरा है इसने, पागल पूरे नौदुर्गा पूरे मंदिर में पैसे उठा के लगी माता जी के मंदिर से। सब पूरे मंदिरों में बासुदा का कोई मंदिर नहीं बचा, ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, मूर्ति में थूक दिया, पार्वती की मूर्ति उठा के लगी पता ही नहीं, मूर्ति तोड़ के फेंक दी, पार्वती की मूर्ति घोड़े तोड़ रहे थे, दूल्हा देव के घोड़े तोड़ रहे थे, महिला है घर में चाटा मार दूंगा आपको, वो मैं पकड़ दूंगा डंडा मार दूंगा, आप ये लाइसेंस लगा लो थोड़ी देर पहले महिला अरे यार गोलू तुम, मैं आके तो फोन कर दूंगा ठीक है ना, मैं अब कहीं भूल जाऊंगा, मेरा को फोन है मजाक बाहर ले गए ये लोग, ये लोग मालूम बोला कोई छोड़ के आए और इसके बाद मांग खोल के आए, ये लोग लिखा पड़ी से डरते हैं। फोन तो उठाना चाहिए भाई, एस पी को चार बार फोन लगाया, एस पी फोन नहीं उठाए, माता 500 रुपए गरीब आदमी, मेरा नाम ले रहे हो तब भी नहीं, इसके बाद आप कह रहे हो यार नहीं नहीं आप एक घंटे में पुलिस आई थी, दो घंटा हो गया नहीं सुबह मैंने लगा है 7 बजे पहुंचे, एक घंटा देखना मौके पे आगे हनुमान चौक पे मंदिर में पंडित जी में थूक दिया, मूर्ति में थूक दिया, पागल ने पार्वती जी की मूर्ति तोड़ के फेंक दी, हनुमान जी के मंदिर में घुसा दी, अंदर बदतमीजी करती है, एक घंटे बाद पुलिस आई यहाँ पे फोन लगाने के बाद, तो मेरे कालजटर का पानी उठा के फेंका मंदिर में, मोदी का अरे बहुत नौदुर्गा मोदी को माले रोज मंदिर जाती है, पता करना पूरे नौदुर्गा में करती है, जय संपर्क करती है आज, पंडित जी की बच्चियाँ आज, ये औरतें आज बच्ची
सही बात है, हम पे कार्रवाई करो यार। मैं दोस्त नहीं कर पा रहा हूँ, बैठ जाओ अभी मत करो ये। अरे नीचे बैठ जाओ, टंकी टूट जाएगी। चलो भैया, चलो हो गई पिता।